सब लोग अपना ख्याल रखें, इसी विश के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके स्पेशल समवन अभी क्या सोच रहे हैं? ये रहेगा पाल नंबर वन, जो है पायल, और ये है पाल नंबर टू, इयररिंग्स। पाल नंबर वन, पाल नंबर टू, हमेशा की तरह पांच पांच कार्ड लेंगे टैरो में से, और फिर ओरेकल में से भी पांच कार्ड देख लेंगे। एक, दो, तीन, चार, और ये हो गए पांच। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, और ये हो गए पांच। एक लव मैसेज भी देख लेते हैं। ये रहा मैसेज, ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर वन के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। अब पाइल नंबर टू के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, दो, चार, और ये हो गए पांच। एक, दो, तीन, चार, और ये हो गए पांच। आप देखते लव मैसेज क्या है। ये रहा मैसेज, तो ये मिलकर कार्ड पाइल नंबर टू के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर वन और ये है पाइल नंबर टू। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर वन से, जिन्होंने पाइल चूज की है। क्या बात है, पहला ही कार्ड है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख सकते हैं कि ये दोनों कपल एक दूसरे के प्यार में कितने खोए हुए हैं, अपने प्यार के कप को एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की आंखों में खुद को देख रहे हैं। ऐसे ही शायद आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ में भी, अगर आप उनसे डिस्टेंस में हैं, तो आपकी फोटो की तरफ देख के ऐसा ही कुछ इमेजिन कर रहे हैं और आपके प्यार में इसी तरह से खोए हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ तो बात है उनके दिल में जो उन्हें आपसे करनी है, लेकिन वो करे या ना करे इस दुविधा में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सॉर्ड है, यहाँ पे भी सॉर्ड है, दोनों साइड में सॉर्ड है और ये पर्सन बीच में फंसा हुआ है। तो आपसे बात तो करनी है, लेकिन कहीं वो बात बहुत क्लियर ना हो जाए। यानी कि प्यार में तो आपको पता ही है कि इमोशंस को हैंडल करना इजी नहीं होता, और इसीलिए कई बार वर्ड्स को बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है। ऐसे ही किसी थॉट के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं जो बात उन्हें आपसे करनी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। चांसेस है कि आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आप तक आज रात को या फिर सुबह तक रीच आउट हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी घोड़े पे सवार हो चुके हैं और उन्हें ये सॉर्ड
अपने हाथ में लेके यही रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपसे कुछ तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब क्लियर करना ही। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दुविधा में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है सुबह तक वो बात क्लियर हो जाए कि उन्हें दोनों में से कौन सी बात आपसे कहनी है। द हाई प्रिस्टेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपकी पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के हाथ में एक चाबी है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनके दिल की, साथ ही साथ उनके जज्बातों की और उनके इमोशंस की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं आपने होल्ड करके रखी है। यानी कि आप ही वो पर्सन है जिनसे जुड़ी कई सारी बातें हैं, जिनके ऊपर उनके ये सभी इमोशंस डिपेंडेंट होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, मतलब लोनलीनेस, इस तरह के। तो कहीं ना कहीं सभी बातें आपसे जुड़ी रहती है क्योंकि आप इसकी की होल्डर है। तो ऐसे ही आपके बारे में सोचा जा रहा है और शायद इसीलिए कुछ बातें आपसे क्लियरली करना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। सोच सोच के ऑलरेडी ये काफी ज्यादा परेशान है और इसीलिए ये इमोशंस भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। पहले हमने देखा टू ऑफ कप्स में, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इस पर्सन के अकेले के चार कप हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कप था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास कितना सारा शेयरिंग करने को है आपके लिए। तो ये कप, चारों कप जो इनके इमोशंस के जुड़े हुए हैं, वो भी वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ढूंढते रहना, तो अपने मन में ही कुछ सवालों के जवाब शायद ये ढूंढते रह रहे हैं और उनके जवाब शायद सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है, इसलिए तो शायद ये इतने भाग के आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। खूबसूरती, आपकी खूबसूरती के बारे में तो ये काफी ज्यादा सोचते ही रहते हैं, और मे बी राइट नाउ अगर इनके सामने आपका कोई स्नैप है तो उस स्नैप के देखते देखते वो उसी स्नैप में आपकी खूबसूरती को देखते हुए खुद को खो चुके हैं। तेरी मुस्कुराहट, तो आपकी स्माइल भी बहुत शायद पसंद करते हैं ये, और इतनी प्यारी स्माइल को अगर वो फोटो में देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपसे रूबरू होने के लिए ये कितना तड़प रहे होंगे। मायूस, आप राइट नाउ उनके सामने अगर नहीं है, सिर्फ आपका फोटो है, तो उस बात को लेके ये खुश भी हो रहे हैं क्योंकि आपसे मन की बात कर भी पा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ फोटो है, और साथ ही साथ मायूस भी हो रहे हैं क्योंकि इन रियल आप उनके सामने नहीं है। करिश्मा, आपके प्यार का जादू तो इनके दिल पे चल ही चुका है, और साथ ही साथ आपके प्यार में जो करिश्मा है, मतलब हर रोज दिन भर में शायद कई बार ऐसे लम्हे आते होंगे इनके दिल में कि जिसके ख्याल उन्हें एक करिश्मे से कम नहीं लगते, एक अजब ही फीलिंग वो फील करते हैं, बहुत अमेजिंग शायद वो जज्बात है। इसीलिए ये इस टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके बारे में सोचते हुए इस फोर ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच चुके हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। तो आपके पर्सन जो भी है, यानी कि मेल फीमेल, प्रिंस प्रिंसेस, आप उन्हें हमेशा एक अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया या बदतमीजी से बात की, जिस तरह से आपका एटीट्यूड है उन्हें हैंडल करने का, उनके इमोशंस को समझने का, उन्हें वो काफी ज्यादा रॉयल महसूस होता है, और इसी वजह से उन्हें ये जज्बात आपके अंदर बहुत पसंद है कि आप किस तरह से दूसरों के इमोशंस को समझते हुए उन्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर पाते हैं। और क्यों ना हो, हर किसी को रिस्पेक्ट तो किसी भी रिश्ते में चाहिए होता है, और अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और उसको यकीन नहीं होता, मतलब उसको महसूस नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं, और यही बात यहाँ पे हो रही है। मतलब ये पर्सन दिल से जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए प्यार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्पेक्ट भी किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यही यहाँ पे है जिसकी वजह से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखते हैं पाइल नंबर टू के कार्ड्स क्या कहते हैं, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। फाइव ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कुछ चैटिंग वगैरह चल रही है, मे बी उनके साथ हंसी मजाक में आपसे जुड़ी कुछ बातें डिस्कस की जा रही है रिगार्डिंग मैशन। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन की एनर्जी में समझ रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप सामने से उनको ये कप ऑफर करें।
मतलब राइट नाउ भी अगर आप चाहें तो उनको टेक्स्ट या कॉल करके भी अपना ये कप यानी कि ये प्यार शेयर कर सकते हैं, शायद उसके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है फोर ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, आपके साथ एक हंसी खुशी जिंदगी ये इमेजिन करते रहते हैं जिसमें आप दोनों भी खुश हैं। और वैंड रिप्रेजेंट करते पैशन को, तो अपनी पैशन को लेके ये आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं और उसी पैशन को लेके शायद शादी के माहौल को कुछ इमेजिन किया जा रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, पूरी तरह से ये आपके प्यार में जल रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फिनिक्स की तरह ही बर्ड है, तो आपके प्यार में एक इस तरह से वो फील कर रहे हैं कि तड़प तो बहुत ज्यादा रहे हैं, आपके बिना लोनलीनेस फील कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्यार है वो अपने अंदर जो फील कर रहे हैं वो जज्बात भी उनके लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है, और इसीलिए शायद ये शादी के में भी कुछ सपने या फिर उन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, हो सकता है आप तक ये पर्सन रीच आउट हो जाए सुबह तक या रात को भी, क्योंकि ऑलरेडी इनके मन में कुछ चल रहा है अपनी पैशन को लेके, जो पैशन के बारे में ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और ये घोड़े पे भी सवार है तो चांसेस है कि अगर ये आपको कॉल ना करें तो मे भी मैसेज तो कर ही सकते हैं। सताना, आपकी यार शायद इन्हें काफी ज्यादा सता रही है, बहुत मिस कर रहे हैं शायद आपको वापस मुड़ना। अगर इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था इस रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि आप दोनों उस रिश्ते में वापस मुड़ जाएं। साथ निभाना, आपके साथ जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये सपने भी देख रहे हैं आगे की मैरिड लाइफ के बारे में, और उसी वजह से ये साथ निभाने के बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। बेख्याली, थोड़ी सी दिल के ऊपर बेख्याली छाई हुई है, जिस वजह से आप समझ सकते हैं कितने खोए खोए से रहते होंगे, और अभी भी शायद यही माहौल है उनका पीछा करना। अब ये पर्सन शायद अपनी पैशन का पीछा करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इस पैशन को लेके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और शायद उसी पैशन को आपके दिल में क्या मतलब आपके दिल में उनके लिए कितना पैशन है और उनके लिए आपके दिल में एग्जैक्टली क्या पैशनेट जज्बात है ये शायद जानने का इन्होंने ठान लिया है, और उसी थॉट का शायद ये पीछा कर रहे हैं। मतलब प्यार तो आप उनसे करते हैं ये तो उन्हें पता है, लेकिन पैशनेटली आप उनके बारे में क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं ये भी शायद वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू आर फैंटेसीज ब्लेंड विद मी। तो ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी फैंटेसी भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है, और आप दोनों फैंटेसी में भी एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।